बच्चों, आज हम मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक सीरीज में गणित विषय के प्राथमिक स्तर के सीट क्रमांक 24 में प्रकरण 4 दूरी और समय के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं चाल से। चाल किसे कहते हैं? चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहा जाता है। तो स्पीड क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब हुआ एक मिनट में, एक घंटे में, एक सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। उदाहरण स्वरूप, किसी व्यक्ति द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि एक घंटे का समय लगता है तो उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटे का समय लेता है तो इसका मतलब हो गया कि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय है एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय को उस दूरी के लिए समय कहते हैं। जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटे का समय लगा है तो वहां पे समय एक घंटा कहलाएगा। वही 20 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर 4 घंटे का समय लगता तो समय 4 घंटा कहलाता। वही 20 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर आधे घंटे का समय लगता तो समय आधा घंटा कहलाता। दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु यदि गतिमान है, गतिमान अवस्था में पूरी लंबाई हमें दे दी गई है 100 मीटर, 500 मीटर या 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वह संपूर्ण लंबाई जो होती है वही क्या कहला, एक निश्चित समय में जो तय की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। संपूर्ण लंबाई को तय करने में जो समय लग, जो हमको एक निश्चित समय में जो तय की गई है वही उसकी दूरी कहलाती है। अब हम बात करते हैं दूरी समय चाल में क्या संबंध होता है। दूरी समय और चाल में जो संबंध होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय को चाल कहेंगे। अब चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड अथवा किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो मात्रक हमारे प्रचलित हैं, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा चाल के दो मात्रक हैं। पहला है कि अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। अब 18/5 से क्यों गुणा करते हैं? जैसे यहां पर दिया है 15 मीटर पर सेकेंड चाल दी गई है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमको मालूम है कि मीटर को अगर किलोमीटर बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 15/1000। और सेकेंड को अगर हमें घंटा में बदलना है तो 60/60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदलेगा। तो यहाँ पे 1000 से भाग दिया, सेकेंड को भाग देना होगा 1/60/60, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15/60/60/1000। हम यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, इसका आधा 5, इसका आधा 3, 6 × 18, ये हो गया 15/18/5। तो यही कारण है कि हम 18/5 से क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। सीधे 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5, 5 × 15, 18 × 3 = 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आ गई। चाल हमारी क्या हो गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको बदलने का तरीका बताएं कि 18/5 से सीधे गुणा कर देंगे, हाई काम नहीं करेंगे, ये काम को संक्षेप में करने के लिए ही 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से सीधे गुणा करते हैं, 5/18 यही प्रोसेस करेंगे,
किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और घंटा को मिनट सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 से नीचे गुणा करेंगे, तो भाग देंगे उससे 60 × 60 से, तो हमारा 5/18 आ जाएगा। तो जैसे दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो हम क्या लिखेंगे 54 × 5/18। 18 × 18 = 54, 5 × 15 m/s। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान देने रखने वाली बात है कि यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और चाल यदि मीटर पर सेकेंड में दी गई है उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। अब बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल किसे कहते हैं, औसत चाल होता क्या है। यदि कोई गतिमान वस्तु भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, भिन्न भिन्न समय का मतलब समय भिन्न है, जैसे 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय ले रही है, फिर उसके आगे 20 किलोमीटर जाने में फिर आधे घंटे का समय ली है, फिर उसने आगे के 30 किलोमीटर जाने में फिर क्या कहते हैं कि 1 घंटे का समय लिया है, तो उसकी औसत चाल निकालने को कहा जाएगा। तो हम कुल दूरी को कुल समय से भाग देकर उसका औसत चाल हम ज्ञात करते हैं। औसत चाल जो होती है, जो विभिन्न समयों में तय की गई दूरी है, उस संपूर्ण दूरी की लंबाई को जोड़कर और उसकी कुल समय से समय जो लिया गया भिन्न भिन्न समय उससे भाग देकर हम औसत चाल ज्ञात करते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। अब जैसे हमने एक उदाहरण यहां पर लिया है, एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तथा आगे की 70 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, बस की औसत चाल बताइए। तो बस की औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे, बस की औसत चाल करने के लिए पहले लिखेंगे कुल दूरी कितना तय करती है, कुल दूरी हमने लिख लिया। कुल दूरी क्या है, कुल दूरी हम देख रहे हैं कि बस जो है 30 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कुल समय कितना है, कुल समय बस द्वारा लिया गया कितना है, पहले समय ले रही है 1 घंटा, फिर ले रही है 2 घंटा, बराबर 3 घंटा का समय लिया गया है। औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, समय से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 100/3, 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि घंटा में चाल है, किलोमीटर में दूरी है और घंटा में समय है, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी औसत चाल आ गई 33.1/3 किलोमीटर, यानी कि वह 1 घंटे में 33.1/3 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यही उस बस की औसत चाल हो जाएगी। रेलगाड़ी संबंधी कुछ तथ्य पे हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभा को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। ये बात जरूर सत्य है कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभा को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वह रेलगाड़ी की संपूर्ण लंबाई के बराबर होगी। और यहाँ पे जैसे दिया है, कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तब मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, यह व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और व्यक्ति खड़े होने के कारण ये रेलगाड़ी यहां से आ रही है। अगर रेलगाड़ी मान लीजिए यहां से आ रही है तो ये रेलगाड़ी जो पार करने में समय लेगी, मान लीजिए यहां पे रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी अगर पार करने में जो समय ले रही है वह ये रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होगी। यही रेलगाड़ी आगे बढ़ के आएगी और इधर निकल जाएगी और इधर से आखिरी हिस्सा जो पार होगा तो ये रेलगाड़ी की लंबाई जो है वही एक्स जो है वही क्या होगी,
उस पूरे व्यक्ति को पार करने में लिए गए समय में चली गई दूरी का काम करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या करेगी, दूरी का कार्य करेगी। अब चाल दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा 10 सेकेंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी। व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी। रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में जो समय लगाएगी वही क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। व्यक्ति को पार करने में जो चली गई दूरी होगी वह रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पे चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे क्योंकि समय 10 सेकेंड का लिया गया है। या तो 10 सेकेंड को घंटा में बदल दें तो वो ज्यादा कठिन कार्य हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 72 × 5/18, 18 × 18 = 72, 5 × 20 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी चाल हो गई। समय बराबर है 10 सेकेंड का समय लगा है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल में यदि समय से गुणा कर दिया जाए तो दूरी पता चल जाती है, और ये हो जाएगा 20 × 10 = 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर की दूरी तय की गई है। अब वही 200 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 200 मीटर के बराबर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। बात समझ में आ गई सबको। तो रेलगाड़ी जो पार करने में जो समय ले रही है वही क्या है, 200 मीटर लंबाई जो आ रही है वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अब आगे बात करते हैं, यदि कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल या प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। क्यों होती है वो भी आपको अभी स्पष्ट कर दे रहे हैं। जैसे कह रहा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है। तो मान लीजिए ये पुल है ए बी और यहां से रेलगाड़ी आ रही है, ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 600 मीटर है, ये रेलगाड़ी और ये है 600 मीटर। तो आपको बता दें जब ये पुल पे यहां से चढ़ेगी, घर की तरफ चढ़ेगी, तो क्या करेगी, ये पुल की लंबाई ए बी की दूरी और प्लस ये दूरी पूरा तय करने में समय लगेगा, क्योंकि जब यहां से निकलेगी तो उतनी ही लंबाई यहां पर बाहर आएगी, जितना दूरी इसकी लंबाई थी उतना ही इधर क्या होगी बाहर आएगी, यानी कि पुल की लंबाई और ये रेलगाड़ी की लंबाई के योग से बराबर। हमने मान लिया पुल की लंबाई x मीटर है, हम मान लेंगे, माना पुल की लंबाई बराबर x मीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा पुल पार करने में तय की गई कुल दूरी, रेलगाड़ी द्वारा पुल पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी,
जो दूरी होगी वह पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। मतलब ये बराबर हो जाएगी x प्लस पुल की रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर। अब समय दिया है 6 सेकेंड, समय बराबर दिया है, समय दिया है 2 मिनट, 2 मिनट का समय दिया है, तो 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, ये हो जाएगा 2 × 60 = 120 सेकंड। ठीक है, चाल भी दे रखा है, चाल बराबर है, चाल कितने दिया है रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 × 5/18 यहीं पे कर लेंगे मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 18 × 1 = 72 × 4 = 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी बराबर क्या हो गई, दूरी बराबर हो गई चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है 20, समय दिया है 120 सेकेंड का। तो ये हो जाएगा दूरी हो गई, कितनी दूरी हो गई, अब हम यहां निकालना है दूरी, लेकिन किसके बराबर है, x धन 600, लेकिन दूरी क्या है, x धन 600 के बराबर है। x धन 600 क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को ही उसने पार किया है। ये हो जाएगा x धन 600 बराबर हो जाएगा 12 × 24 के आगे 2 जीरो। ठीक है, तो x बराबर हो गया 2400 - 600 बराबर हो जाएगा, 600 घटा देंगे 1800 मीटर, यानी पुल की लंबाई क्या आ गई 1800 मीटर, यानी जो रेलगाड़ी ने पुल पार किया है वह 1800 मीटर का था, तभी उसको 2 मिनट का समय लिया है। रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि पुल को पार कर रही है और 2 मिनट का समय लग रहा है और 600 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, तो वह क्या होगा, पुल की लंबाई 1800 मीटर, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे और आ जाएगा 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि यदि दो रेलगाड़ी भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होगा। जैसे हम, आपने कभी अनुभव किया होगा रेलगाड़ी में यदि सफर किया है तो हम ये देखते हैं कि अगर रेलगाड़ी चल रही है और उसी समय एक दूसरी भी रेलगाड़ी हमारे दूसरे पटरी पे चलने लगे, तो चलते समय अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी बहुत धीमे चल रही है या उसकी गाड़ी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे पार हो रही है। धीरे धीरे पार करते हुए क्या होती, वही सापेक्ष चाल होती है जो हमको दिखाई देती है। जिसकी चाल अधिक होगी वह क्या होगी, आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है उतनी चाल उसके टोटल चाल में से घट जाएगी। मान लीजिए एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाले गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को दूसरी गाड़ी लगेगा कि धीरे धीरे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पिछड़ते जा रही है, और यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति को यह अनुभव होगा कि वह गाड़ी जो आगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धीरे धीरे आगे जा रही है। यानी कि दोनों लोगों को गाड़ियों की चाल बहुत धीमी दिखाई देती है यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गति कर रही है। अब इसके विपरीत दिशा में देख लीजिए, अगर दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गति करती हैं तो सापेक्ष चाल जो होती है उनकी चालों के योग के बराबर होती है। अब मान लीजिए एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, ये जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, और एक इधर से आ रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिखाई देगी। यानी कि दोनों रेलगाड़ी में बैठे व्यक्तियों की चाल से वो अधिक दिखाई देगी। इसीलिए जब हम देखते हैं कि कोई रेलगाड़ी हमारी यात्रा कर रहे हैं और उधर से आके कोई रेलगाड़ी पार करती है तो लगता है कि उसकी स्पीड बहुत तेज है, आंधी तूफान की तरह चल रही है, तो ऐसा नहीं है। वो सापेक्ष चाल होने के कारण आपकी रेलगाड़ी की चाल प्लस उसकी रेलगाड़ी की चाल आपस में जुड़ जाने के कारण आपको काफी तेज दिखाई देती है। ठीक है,
मिशन शिक्षण संवाद की ओर से वर्कशीट आपको उपलब्ध करा दी गई है। वर्कशीट आप लोग देख लीजिएगा, उस पर जो भी सवाल दिए गए हैं उनको लगा लीजिएगा। अगर लगाने में कोई कठिनाई आती है तो वीडियो देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं, और उसके अलावा भी अन्य सवाल भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। धन्यवाद।